स्टूडेंट्स स्टूडेंट Student, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज टू पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास फाइन द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग जो हमें रेशन नंबर्स गिवीन हैं उनका हमने क्या करना है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फ़ाइन करना है एडिटिव इनवर्स in, बहुत ही आसान है हमने जस्ट क्या करना होता है साइन चेंज करने होते हैं अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है अगर नेगेटिव साइन है तो हमने उसको पॉजिटिव में कर देना है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना होता है जस्ट तो इनवर्स करना होता है जो नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको हमने न्यूमिनेटर में तब्दील कर देना होता है और जो न्यूमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर में तब्दील करना होता है कैसे अभी हम करके देखते हैं यहाँ पे हमारे पास प्लस का सेवनटीन डिवाइडेड बाय फाइव इसको अगर हम एडिटिव इनवर्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये प्लस है तो इसको हम माइनस में तब्दील कर देंगे सेवनटीन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन बाकी की वैल्यू सेम टू सेम ऐसे ही रहती है और अब हम इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तब्दील करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का सेवनटीन डिवाइडेड बाई फिफ्टीन है तो ये हम साइन सेम रहेगा यहाँ पे जो क्वेश्चन में साइन है हमारे पास प्लस है तो प्लस ही रहेगा लेकिन हमने क्या करना है न होता तो जो नीचे हमारे पास वैल्यू होती है फिफ्टीन ये ऊपर चली जाती है और जो ऊपर वैल्यू होती है वो हमारे पास नीचे आ जाती है ठीक है ये है हमारा आंसर अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास माइनस ट्वेंटी सिक्स इसको हमने अगर हम एडिटिव इन्वर्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है हमने जस्ट हमने साइन चेंज करना है ठीक है ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का ट्वेंटी सिक्स प्लस लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब इसी को हम मल्टीप्लीकेट इनवर्स में तब्दील करें तो हमने क्या कर देना है अब देखिए यहाँ पे ये है माइनस ट्वेंटी सिक्स तो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो इस मीनस यहाँ पे वन है ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती हर वैल्यू के साथ होता है ठीक है अब समझो यहाँ पे वन है तो इसको हमने कैसे मल्टीप्लीकेट इनवर्स में तब्दील करना होता है, है तो यहाँ पे हमने कर देना है ये वन ऊपर चला जाएगा और ये ट्वेंटी सिक्स नीचे आ जाएगा साइन हमारा जो क्वेश्चन में था वही का वही रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अब यहाँ पे हमारे पास माइनस ट्वेंट वन ऑफ पाउन ट्वेंटी है तो इसको हमने एडिटिव इनवर्स में तब्दील करना है तो क्या होगा ये प्लस में तब्दील हो जाएगा वन ऑफ पॉन ट्वेंटी अगर हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में तब्दील करें तो हमारे पास आ जाएगा जस्ट ट्वेंटी लेकिन जो क्वेश्चन में साइन है माइनस तो हमने माइनस लगा देना है ठीक है जी चले आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की जाने नंबर फोर पे हमारे पास वैल्यू गिविंग है माइनस फाइव डिवाइडेड बाई नाइनटीन जस्ट हमने साइन चेंज कर देना आ, एडिटिव इनवर्स में ठीक है एंड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में हमने क्या करना है इसको कन्वर्ट कर देना है नाइनटीन डिवाइडेड बाई फाइव एंड माइनस ठीक है तो अब इसी तरीके से ये ज़ीरो है आपने ये देखिए मैं आपके सामने स्केल बना देती हूँ यहाँ पे ज़ीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री ठीक है यहाँ पे माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री यहाँ पर देखें यहाँ पे जो राइट साइड पे नंबर्स है हमारे पास उसका पॉजिटिव साइन है जो लेफ़्ट साइड पे नंबर्स है हमारे पास नेगेटिव साइन है लेकिन ज़ीरो है ज़ीरो के ऊपर कोई साइन भी नहीं है ठीक है तो यहाँ पे भी हमने जब एडिटिव इन्वर्स करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा ठीक है इसका कोई भी साइन नहीं होता तो यहाँ पर ज़ीरो इज़ रिमैंड ज़ीरो लेकिन मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते ठीक है तो इसलिए इसका हम आंसर नहीं लिखेंगे तो पॉजिटिव एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या करना है बस जीरो लिख देना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी इस पर यूज़ नहीं होती ठीक है एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नॉट डिफाइंड ओके तो अब हमारे पास नंबर सिक्स पे है एट तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लस होता है जिसको हम नहीं लिखते और हर नंबर के साथ डिवाइडेड बाई वन भी होता है ठीक है जिसको लिखा नहीं जाता लेकिन हमें मालूम होना चाहिए अब इसका अगर हम एडिटिव इनवर्स फाइंड करें तो क्या होगा हमारे पास माइनस का एट आ जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हम इसका फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा वन ऊपर चला जाएगा वन डिवाइडेड बाय एट ठीक है ये हमारे आंसर है अब आगे हमारे पास इसका पार्ट सेवन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो जब हम वन अपॉन नाइन का एडिटिव इनवर्स फाइंड करेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन अपॉन नाइन का प्लस वन अपॉन नाइन हो जाएगा यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स लिख सकते हैं ठीक है अब इसी तरीके से अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में इसका आंसर फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा नाइन हो जाएगा खाली क्योंकि वन डिनोमिनेटर में वन लगाने की ज़रूरत नहीं है तो हमारे पास नाइन है इसका ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अब इसी तरीके से हमारे पास टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई सेवन है तो हमारे पास आ जाएगा प्लस सॉरी प्लस तो है हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे एंड इसी तरीके से हमारे पास ये इस, इसका इन्वर्स हो जाएगा उलट हो जाएगा रेसिप्रोकल टू सेवन डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चलें जी ये तो बहुत ही आसान था अब आगे बढ़ते हैं वेरीफाई करते हैं सिम्प्लीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर को जो हमारे पास रेशन नंबर्स गिवन है उन्हीं को हमने सिम्प्लीफाई करना है हाँ जी तो नंबर वन पे हमारे पास वैल्यू गिवन है फाइव डिवाइडेड बाई एट मल्टीप्लाई बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू तो इसको हमने जस्ट मल्टीप्लाई करना है जो दोनों न्यूमिनेटर है उनको और जो दोनों डिनोमिनेटर हैं उनको ठीक है और कुछ भी नहीं करना और हमने चेक कर लेना था कि क्या ये किसी नंबर्स के साथ कैंसिल आउट हो रहे हैं तो हम पहले ही कर देंगे तो आगे चल के हमें मुश्किल नहीं होगी जल्दी से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जस्ट अभी हमने क्या करना है फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री एंड एट मल्टीप्लाई बाई टू ठीक है जब हम फाइव को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन और एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन तो जस्ट हमें चेकआउट करना होता है कि क्या ये दोनों नंबर्स किसी एक ही टेबल से कैंसिल आउट हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर नहीं हो रहे तो बस यही हमारा आंसर है अगर हो रहे होते तो हमने इनको कैंसिल आउट करना था अब यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू सिक्स डिवाइडेड बाय सेवन एंड इस बीच में डिवाइड का साइन है एंड टू डिवाइडेड बाय फाइव तो इसमें हमने परेशान नहीं होना हमने लिख देना है सिक्स डिवाइडेड बाय सेवन हमने अपने साइन को कन्वर्ट करना है जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में तब्दील करते हैं तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हमारे पास आ जाता है फाइव ऊपर चला जाता है और टू नीचे आ जाता है अब हमने इसको सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है तो हमने क्या करना है सिक्स मल्टीप्लाई बाई फाइव एंड सेवन मल्टीप्लाई बाई टू अब यहाँ पे हमने देखना है क्या ये नंबर्स आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो जी हाँ हो रहे हैं ये टू टू वन द टू टू थ्री दिक्स ठीक है अब हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव एंड सेवन सेवन को वन यानी कि वन को लिखने की ज़रूरत नहीं वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर सेम रहता है सेवन वन दैवन ठीक है फिर भी हम लिख लेते हैं अब जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फिफ्टीन डिवाइडेड बाई सेवन जो कि हमारा आंसर है क्यों क्योंकि ये दोनों अब आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहे ठीक है अब हमने इसको इस, इसी तरीके से लिख देना है आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट थ्री की जाने अब हमारे पास थ्री वैल्यूज है इसको देख के भी आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना ये भी बहुत आसान है जस्ट हमने क्या करना है एक लंबी लाइन लगानी है और टू मल्टीप्लाई पे जो ऊपर की वैल्यू है उनको ऊपर लिख देना है और जो नीचे हमारे पास वैल्यू है उनको नीचे लिख देना है ठीक है अब हमने देखना है क्या ये आपस में कोई नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो थ्री से नहीं हो रहा नहीं हो रहा कोई भी तो हमने क्या कर देना इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है एट आ गया ट्वेंटी वन को फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास वन हंड्रेड फाइव आ जाएगा तो जब इन तीनों का मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया वन हंड्रेड फाइव तो हमने अब देखना है क्या ये आपस में कैंसिल आउट हो रहा है किसी नंबर से जी नहीं ये आपस में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो इसलिए यही हमारा आंसर है ठीक है तो अब नंबर फोर पे जो वैल्यू गिवन है हमारे पास है साइन माइनस का सिक्स डिवाइडेड बाय सेवन इसको डिवाइड है तो हम इसको मल्टीप्लाई में तब्दील कर देते हैं तो सिक्स हमारे पास ऊपर चला गया सेवन नीचे आ गया ये माइनस साइन है तो ये यहीं पे ऐसे कैसे रहेगा अब हमने साइंस को भी आपस में मल्टीप्लाई करना होता है तो माइनस और माइनस को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा तो पहले तो हम ऐसे लिख देते हैं माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय माइनस सिक्स एंड माइनस सेवन मल्टीप्लाई माइनस सेवन ठीक है six, six, seven, seven, तो यहाँ पे ये दोनों साइन माइनस इंटू माइनस प्लस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस तो ये दोनों माइनस और माइनस जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास प्लस आ जाएगा तो और यहाँ पे देखें तो हम सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा थर्टी सिक्स सेवन को सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे फोर्टी नाइन तो और ये माइनस माइनस आपस में हो होगा माइनस इंटू माइनस प्लस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस तो बुक में हमारे पास माइनस दिया गया है तो हो सकता है बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो लेकिन जो असूल है वो यही है कि जब हम साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने पढ़ा होगा जब हम प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो हमारे पास क्या आ जाता है प्लस आता है जब हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो हमारे पास आ जाता है माइनस इंटू माइनस इज़ इक्वल टू प्लस और माइनस इं प्लस इज़ इक्वल टू माइनस प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस ठीक है अब इसके हिसाब से तो हमारे पास प्लस आ रहा है तो हो सकता है बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो ठीक है तो आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट फाइव की जाने तो नंबर फाइव पे जो वैल्यू हमारे पास गिविन है उसको भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करना है हमारे पास जो है हमने पहले ऐसे ही लिख देना है फोर्टीन डिवाइडेड बाय फाइव इस डिवाइड के साइंस को हमने मल्टीप्लाई में तब्दील कर देना है तो हमारे पास रेसिप्रोकल हो जाएगा वैल्यू का तो अब हमने क्या करना है फोर्टीन यहाँ पे देखना है पहले क्या किसी नंबर से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये सेवन से फोटीन मल्टीप्लाई हो रहा है फाइव से ट्वेंटी फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इनकी जगह पे क्या लिख देंगे टू मल्टीप्लाई बाय फाइव एंड वन मल्टीप्लाई बाई वन तो वन मल्टीप्लाई बाई वन करेंगे तो हमारे पास वन ही आ जाएगा हमने हमें वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो टू को फ़ाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन ठीक है ये हमारा आंसर है अब आगे है हमारे पास नाइन डिवाइडेड बाय फोर मल्टीप्लाई बाय हमने लिख देना है तो यहाँ पे ऐसे नाइन मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर एंड मल्टीप्लाई बाय टू ठीक है फोर मल्टीप्लाई बाय नाइन मल्टीप्लाई बाय थ्री अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देखें क्या ये किसी नंबर से कैंसिल आउट हो रहा है ये नाइन आपस में कैंसिल आउट हो रहा है और ये फोर टू वन द टू 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 द फोर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो अब जो बच गया है हमारे पास क्या बच गया है माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा माइनस का फोर डिवाइडेड बाई टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा सिक्स अब मजीद देखें क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है जी हाँ टू टू द फोर टू थ्री दिक्स तो हमारे पास आ गया माइनस का टू डिवाइडेड बाय थ्री जो कि हमारा आंसर है ठीक है स्टूडेंट्स तो आगे बढ़ते हैं अब नंबर सेवन पे जो वैल्यू है सेम हमने इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करना है वन मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फिफ्टीन एंड एट मल्टीप्लाई बाय फाइव मल्टीप्लाई बाय फोर तो जब हम इसको आपस में अब पहले चेक कर लेते हैं क्या ये आपस में कोई नंबर कैंसिल आउट हो रहा है तो टू वन द टू 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 द फोर फाइव वन द फाइव फाइव थ्री द फिफ्टीन अब हमने इसको दोबारा लिख देना है कैंसल आउट करने के बाद वन को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो हमने लिख देना है माइनस थ्री क्योंकि वन से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही आएगा तो अब यहाँ पे है हमारे पास एट इस वन को भी लिखने की ज़रूरत नहीं एट मल्टीप्लाई बाई टू अब जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस थ्री डिवाइडेड बाई सिक्सटीन ठीक है एट को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिक्सटीन तो ये माइनस यहाँ लगाएं यहाँ लगाएं एक ही बात है ठीक है तो ये है हमारा आंसर इसको अंडरलाइन कर देते हैं अब आगे है हमारे पास जो आखिरी वैल्यू है आखिरी पार्ट है हमारे पास तो इसको भी हमने ऐसे ही सॉल्व करना है हमने लिख देना है माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस फोर मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय फोर अब इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो तो पहले चेक कर लेते हैं क्या कोई नंबर आपस में कैंसिल आउट हो रहा है थ्री वन द थ्री थ्री टू दिक्स टू वन द टू 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 द फोर ठीक है अब है हमारे पास कौन सा नंबर जो कैंसिल आउट हो रहा है ये मज़ीद हो रहा है इसको टू वन द टू 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 द फोर जो हमारे पास बच गया है हम उसको पहले लिख लेते हैं ये हमारे पास माइनस वन बच गया है मल्टीप्लाई बाय माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन माइनस है तो हम इसलिए लिख लेते हैं क्योंकि हमने साइंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है अभी तो हमने क्या करना है थ्री मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे वन है तो हमने वन लिखने की ज़रूरत नहीं है ये हमारे पास टू है तो हमने टू लिख दिया अब हम क्या करेंगे माइनस इंटू माइनस हमारे पास आता है प्लस प्लस इंटू माइनस आता है हमारे पास माइनस तो हमारे पास आ गया माइनस अब टू को इन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टू ही आ जाएगा ठीक है अब थ्री टू द दिक्स तो माइनस टू डिवाइडेड बाय सिक्स जो के हमारा आंसर नहीं है सॉरी ये अब मज़ीद कैंसिल आउट हो रहा है अब हमने मजीद कैंसिल कर देना टू वन द टू टू थ्री सिक्स तो हमारे पास जो आ गया माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री जो के हमारा आंसर है ठीक है जी तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी हमारी आई होप आपने इन्जॉय किया होगा तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखना खुश रहना हाफिज़